जिनको किस्तों में कर्ज की अदायगी कर रहे हैं, एक महीना लेट हो जाएं तो वो तकाजे करने लगते हैं। उन लोगों से किस तरह मैं उनकी बेटी का हाथ मांगूं, किस मुंह से कहूं कि मेरे बेटे को रिश्ता दे दें। सितम है कि तेरे हाथ से धोखा खाया। जाने दो, तुम अपनी माँ की आदत को अच्छी तरह जानती हो। अबू, मजे की बात यह है कि सब जानते हैं, लेकिन फिर भी सब हर्ट होते हैं। हर्षला पे कितनी स्ट्रगल कर रही हैं अबू, आपको पता है पुराने कपड़े ठीक कर करके वो बेचारी पहनती हैं, और ये सब उनकी काबिलियत की वजह से। मैंने बाकी के एग्जाम्स भी पास किए। उसकी वजह से पास होना होता ना तो ये इम्तिहान भी पास कर लेती। सच तो ये है कि उसने जानबूझ के दिल से नहीं पढ़ाया तुम्हें। अब मैं तुम्हारा ट्यूटर ही चेंज कर दूंगी। आपको पता भी है कि ट्यूशन वाले कितने पैसे लेते हैं? ट्यूशन वाले ना एक सब्जेक्ट के 25,000 लेते हैं, और स्लापी ने तो कभी एक टका नहीं मांगा। आप पहले जो इतना मांग चुके हैं ये लोग। अबू, वो छोटी हैं, उन पे इतनी सख्ती क्यों? चुप कर जाओ, मुझसे बहस ना करो। आप क्या बैठे हैं जी चुप करके, देखिए किस तरह बात कर रही है मुझसे। अरे रहने दो, उसकी बहन है, उसका हक है, तुम्हें नरमी से पेश आना चाहिए, यतीम बच्चे। एक तो इन लोगों की यतीमी कम नहीं होती, इतनी अय्याशी तो इनके बाप ने नहीं कराई होगी जितने चचा के होते हुए कर दिया होगा। इतना कुछ कर दिया ना आपने कि अब उनकी गर्दन के खम ही नहीं कम होते। देखो एहसान जता दिया ना तो नेकी गई। फिर रहने दीजिए जी, आप अपना सबक अपने पास रखिए। सारी जिंदगी गुजर गई नेकियां करते करते हमारी, किसी ने टके का नहीं जाना हमें, और सब समझती हूँ ये तरफदारियाँ क्यों हो रही है। बस करो, चुप करो यार, जरा सी तो बात। क्या जरा सी बात है, कभी मेरी इज्जत के लिए भी इस तरह लड़ लिया करें। जा रही हूँ मैं पार्लर, देर हो रही है। हाँ वो ठहरो, हादी आ जाए तो फिर जाओ। हादी से क्यों? अरे उसकी मोटरसाइकिल खराब थी, वो गाड़ी ले गया। गाड़ी ले गया? वाह भाई, बड़े पर फैल रहे हैं इसके। नई गाड़ी हमारी क्या आई, उसको तो चस्का ही लग गया। अरे आहिस्ता बोलो, आवाज ऊपर जा रही है। अरे सुनते हैं तो सुन ले, मुझे देर हो रही है और वो नवाब साहब निकले हुए। कहाँ है तुम्हारा भाई? मेरा तो फोन ही नहीं उठा रहा। चाची वो अम्मी को लेके हॉस्पिटल गया है। मुझे पार्लर जाना है। तो चली जाइए। तुम्हारे सर पे बैठ के जाऊँ? वो नवाबजादा हमारी गाड़ी ले गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो क्यों लेके जाएगा आपकी गाड़ी? मैं झूठ बोल रही हूँ क्या तुमसे? क्या समझती अपने आप को? तुम लोग अपनी चची को ना बस झूठा साबित करने पे तुले हुए। भाई गाड़ी ले गया है और तुम बहस पे बहस किए जा रही हो। हमारी बच्चियों को देखा है किसी से कोई बदतमीजी करते हुए, जबान चलाते हुए? क्योंकि वो सुलझी हुई बच्चियां हैं, बहकी हुई बच्चियां नहीं है बाहर घूमने फिरने वाली। चची आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने कब आपसे बहस की है? मुझे वाकई में नहीं पता ये लोग कब आपकी गाड़ी लेकर गए हैं। अब पता चल गया, फोन करो पूछो कब आएगी गाड़ी। अच्छा गुस्सा मत करें, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। हेलो अम्मी, आप लोग कहाँ पे हैं? चची नाराज हो रही हैं, आप लोग प्लीज जल्दी घर वापस आइए, गाड़ी लाइए वापस। अरसला बेटा गाड़ी चोरी हो गई है, हम पुलिस स्टेशन में। अम्मी आप लोग ठीक तो हैं? हेलो क्या हो गया? ठीक तो है मतलब? हादी और अम्मी पुलिस स्टेशन गए, गाड़ी चोरी हो गई है। क्या हादी और ताई ठीक तो है ना?
इसी दिन के लिए कहती थी मत दे इनको गाड़ी। अजीब बात है, दिन धाड़े जहाँ कभी कोई वारदात नहीं हुई, नाकाबंदी होती है, वहाँ डाकू आगे कनपट्टी पे बंदूक रख के गाड़ी ले गए इनसे छीन के। मेरी तो समझ से बाहर है ये बात। चाची डाकू आए हैं, हादी का फोन भी ले लिया, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ ना। हाँ तो फोन 20,000 का था बीबी, गाड़ी 30,00,000 की। चाची हो जाएगी कॉम्पेंसेशन आपकी इंश्योरेंस से, गलती मेरी है, मुझे आपकी गाड़ी लेके ही नहीं जानी चाहिए थी। अरे एक फोन पे आ जाती है गाड़ी, दरवाजे पे क्यों नहीं मंगाई तुमने? हाँ लेकिन नहीं, तुमने तो चचा को चूना लगाना है। कैसी जबान इस्तेमाल कर रही हो, क्या हो गया तुम्हें? चुप करो। मेरी जबान नजर आ रही है आपको, ये जो कर रहे हैं वो नहीं नजर आ रहा? अरे गाड़ी चोरी हुई है, कयामत तो नहीं आ गई ना? चुप करो। मुझ पे क्यों चला रहे, इनको नहीं देखते? आवाज बंद। अरे भाई बस कर दो तुम लोग, माना कि हमसे गलती हुई है, मगर चोरी हुई भी चीज को वापस तो नहीं ला सकते। पता नहीं चोरी हुई है या कराई गई है। वैसे हद हो गई है चाची जान, इतना भी भरोसा नहीं है आपको हम पे? अब मैं इस घर में तभी वापस आऊंगा जब आपकी गाड़ी आएगी। हादी 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 नहीं, आप भी ना। क्यों रहे हैं बेटा? अल्लाह और बंदे के बीच का मामला है, आंसू आ ही जाते। वैसे मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ताई अम्मी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, आप फिक्र ना करें, अब गए आदि के पास। गलती हमारी थी, पर आई चीज और वो भी इतनी कीमती। नहीं ताई, आपसे और हादी से ज्यादा कीमती नहीं थी। उठा लूं बेटा, बुरी बात है मेरी जान, माँ है तुम्हारी, तुम अब जाओ नीचे, जाओ शाबाश। अच्छा मैंने आपके लिए चाय बनाई है, आप याद से पी लीजिए। जी दी, मैं पी लूंगी, जाओ। देखो बेटा, गाड़ी नहीं मिली तो क्या हुआ? गाड़ी तुमसे बढ़कर नहीं है, तुम्हें पुलिस स्टेशन पर बैठने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे बेटे हो, तुम अपनी चची की वजह से घर छोड़ दो। छोड़ दूंगा चाची, उसे और जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती है। देखो बेटा, ये लड़कियों की शादी हो जाए, अपने घरों की हो जाए, तो फिर हम दोनों वेकेशन पे चलेंगे। अरे किस कमबख्त को इस पिंजरे में रहने की जरूरत है? है? ठीक है जाओ, भाभी परेशान। हादी रास्ता दो। मैंने क्या किया है? मैंने बात नहीं करनी है। क्यों, मैंने किया क्या? मैं तो तब से ताई के पास हूँ, नीचे भी नहीं गई। मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ अपनी माँ के पास। हादी बात तो सुनो। ये देखें, ये तो आपको जरूर आएगा। आपको पता है मिसेस बर्नी एक से एक रिश्ते कराती हैं और मुझ पर तो बहुत ही फायदा है। पता नहीं हम तक कब पहुंचेंगे वो रिश्ते, और ये लोग पता नहीं कब हमारी जान छोड़ेंगे। ऊपर वाले जितने का ऊपर का घर है ना, उतना तो वो कर्ज ले चुके हैं। वैसे हीरा, मेरा दिल कहता है हो ना हो, ये गाड़ी हादी ने चोरी करवाई। और अपने अब्बा को देखो जरा, मेरे पूछने पे लाउंज में सोने लगे। तुम देखना अगर मैं ना रही ना, तो ये लोग सब समेट के ले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन मामा वो इंश्योरेंस कवर कर देगा ना? नहीं हुआ तो फिर आप शोर मचा दीजिएगा। हाँ इंश्योरेंस कवर कराने के लिए उनके अब्बा आएंगे ना कब्र से भाग के,
मेरी तो जिंदगी मुश्किल कर दी है इन लोगों ने, हर वक्त सर पे चिंगाड़ते हैं। अम्मी तो अब्बा को बात करनी चाहिए ना, इन लोगों के हालात तो अगले 20 साल तक ठीक नहीं होंगे, इतने सुस्त रफ्तार रहे हैं, आगे बढ़ने की तो कोई लगन ही नहीं है। अच्छा छोड़े ना, आप अपना मूड खराब नहीं करें और प्लीज अपना थोड़ा सा स्टाइल चेंज करें। अगर आप चाहती है ना कि कोमल की अच्छे ढंग के घर में शादी हो तो आपको ये करना पड़ेगा, प्लीज। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, उनको देखो ना कुछ खा रहे हैं ना मुझसे बात कर रहे हैं, और कोमल उस लड़की का बस चले ना तो जाके ऊपर ही उन लोगों के पास शिफ्ट हो जाए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बड़े दावे करके गए थे गाड़ी रिकवर करा के लाओगे, ये क्या छोटी सी किराए की गाड़ी ले आए, मुझे नहीं चाहिए ये। आपकी गाड़ी भी ले आऊंगा मैं। कब? चाची आपने जो भी बात करनी है आप मुझसे कीजिए, आप मेरे भाई से इस तरह से बदले नहीं ले सकती। अगर आपका बेटा नहीं है तो उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप मेरे भाई के साथ बदतमीजी करेंगे। हम लोग इसे भी वापस करके आ जाएंगे, आपकी तो वैसे भी आदत है, आप हमेशा उन लोगों को प्रेशराइज करती हैं जो आपके सामने खामोश रहते हैं, लेकिन मेरे मुंह में जबान है। ओ लड़की, ये जबान खींच के तुम्हारे हाथ पे रख दूंगी अगर मुझसे बदतमीजी की तो। देख रहे हो कितनी बदतमीज लड़की है, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है इसे। तो आप क्या कर रही है, आप क्या हम लोगों को दुआएं दे रही है? अच्छा जाने दो ना चाची, हमारे बस में जो भी होगा वो हम करेंगे, बस आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। इंतजार? पता नहीं जिल्लत से कब जान छूटेगी, अंदा जाने हम लोगों का कभी अपना घर होगा भी कि नहीं। मैं तो तंग आ गई हूँ रोज रोज बेइज्जत होके इनसे। आज तीसरा दिन है आप इस कमरे से हिले नहीं है, आखिर मेरा कसूर क्या है ये तो बताइए, क्या किया है मैंने? यही कि मेरा बेटा नहीं है उसकी वजह से इस तरह बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ। आप मेहरबानी करके बाहर जाइए। क्यों? क्यों जाऊं मैं? बाहर जाती हूं तो आपकी भतीजी मेरे साथ बदतमीजी करती है, ताने देती है कि मेरा बेटा नहीं है इसलिए मैं हादी से जलती हूँ। नहीं चाहिए गाड़ी मुझे, इज्जत चाहिए। अरे क्या नहीं किया है मैंने, मुझसे बदजबानी करती है आपकी वो चहीती अरसला। भाभी संभालिए इसे। क्या हुआ भाई, क्यों रो रही हो? आपकी वजह से, इनकी वजह से सब मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। अरसला ने रेंट पे गाड़ी क्या ला दी, इतनी बातें सुनाई है मुझे। हादी को मैंने कुछ नहीं कहा, अच्छा बच्चा है, लेकिन अरसला की तो मैं खबर लूंगी, तुम बड़ी हो उससे। गाड़ी का नुकसान हुआ है हमारा, हमारा है ही कौन कमाने वाला, जो जमा पूंजी थी वो लग गई, ऊपर से बेटा भी नहीं है कोई। अरे हादी है ना तुम्हारा बेटा, अरसला की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अच्छा छोड़ो, ये देखो गरम गरम कचौरियाँ खाओ, आज मुझे कॉलेज देर से जाना था इसलिए मैंने सोचा कचौरियाँ बनाऊं। भाई अपने भाई के लिए लाई होंगी, इन्हीं को खिलाइए, और आप बड़ी हैं इनसे पूछिए जरा कैसा क्या कसूर हुआ है मुझसे, जो 3 दिन से कमरा अलग कर लिया मुझसे। मैंने तो सिर्फ हादी की गैर जिम्मेदारी पे उसे डांटा था, बुरा मान गए कि बच्चा है मेरा। अरे नहीं भाई, एक ही घर है हमारा, और हादी कह रहा था इंशाल्लाह गाड़ी मिल जाएगी, वो रोज इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर लगा रहा है। मैंने तो फातिहा पढ़ ली। कुल भी पढ़ लो,
भाभी के लिए चाय लाओ, जाओ। अरे ऐसे मत किया करो भैया, एक छोटा सा तो कुनबा है हमारा, इसे हमें ही बनाकर रखना है ना, कोई बाहर वाला तो आएगा नहीं। भाभी कुछ ऐसा करे कि तेरा मेरा ये खत्म हो जाए। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से तुम्हारे घर में नाचाकी हो, तुम भी मेरे लिए हादी की तरह हो। ये लो कचौरियां गरम गरम। ओ, चाय आ जाए तो फिर उसके साथ। अच्छा अच्छा आ तो सही। क्या हो गया, नीचे से घसीट के लाई हो तुम मुझे, इतनी एक्साइटेड क्यों? मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। वाओ, गुड न्यूज और मेरे लिए क्या है? खैर से हमारी शादी की बात हो रही है। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी, और क्यों करूं मैं, दिन रात बातें सुनने के लिए? कभी भी नहीं। कभी नहीं कहा ना, तो पहले मैं खुद मर जाऊंगी फिर तुम्हें मार दूंगी। नीचे हमारी बात पक्की हो रही है और तुम्हें उस 20 लाख की गाड़ी की टेंशन है। क्योंकि 20 लाख नहीं है मेरे पास कोमल। तो तुम्हारे पास मैं हूँ। मुझे पता है कि मैं हूँ। तेरे भेजे हुए खत सारे संभाले मैंने, भूल अब तक न किताबों से निकाले मैंने, जितने सफे थे सभी मोड़ के रखे थे यूं ही। समझ में नहीं आता ये माँ बेटियां टेलीफोन पे इतनी देर क्या बातें करती रहती। मौजूद तो एक ही अंकल, कोमल का रिश्ता। मेरी बेटी का एक साल जाया हो गया, इस वक्त उसको यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, उसकी माँ को ख्याल ही कोई नहीं। अब मेरी बेटी जो है ना मास्टर करेगी। वैसे उसका भी कहना सही है कि देखो अगर बच्चियाँ पढ़ाई करेंगी ना तो उनके रिश्ते नहीं आते। ये बात तो अंकल आप लोगों को सोचनी चाहिए, लड़का घर पे ही मौजूद है, आप लोग पता नहीं क्यों बाहर ढूंढ रहे हैं। देखें हादी बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा और बहुत तरक्की करेगा, आजकल बाहर वालों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। बात सही है। खैर चलो कुछ पीते हैं। लेकिन मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। आओ, आओ। मुझे लगता है कि आपको हाजी के बारे। वैसे तुम लोगों ने अच्छा किया बेटा जो उन्हें गाड़ी लाकर दे दी, बड़ी है आखिर तुमसे। प्लीज अम्मी, बड़ी तो खबर कहीं से नहीं है, आप बस प्लीज कोमल के रिश्ते की बात करें। तुम्हारी चची जो है ना वो इल्म और खानदान से ज्यादा पैसों को अहमियत देती है। वैसे तो मेरी बहन भी बहुत पैसे वाली है लेकिन वो ऐसे नहीं सोचती, उसकी भी बेटी है। अम्मी लेकिन मुझे खाला की बेटी से शादी नहीं करनी है, कोमल पसंद है मुझे और वो भी मुझे पसंद कर। अब इससे पहले कि चची उसका रिश्ता कहीं और कर दें, प्लीज जाके रिश्ते की बात कर लें आप। हाँ अम्मी, हादी बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप प्लीज कोमल के रिश्ते की बात करें ना, वो अभी बच्ची है। तो चची भी तो बच्ची है ना, इतनी जज्बाती है, अभी मुझे कल ही कह रही थी हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। हादी कोई बच्ची नहीं है चची, ना ही वो कोई जज्बाती वज्बाती है, और मुझे तो उनपे जरा बराबर भी भरोसा नहीं है। और तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों नन्हे बच्चे बन रहे हो? चाचा तो अच्छे है ना? चाचा अच्छे है इसीलिए हम लोग यहाँ पे टिके हुए हैं, और चाचा की खातिर ही कह रही हूँ अम्मी, आप मांगे ना कोमल का रिश्ता हादी के लिए। ठीक है ठीक, जाऊंगी किस वक्त। Thank you.
रहा है वो तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे एहसानों का बदला ऐसे दे पा लो तुम्हारी इज्जत खराब करके। और तुम कोई ताई बाई नहीं आई थी, झूठ बोल रहा है वो तुमसे, और ये सब में उसकी माँ भी उसका साथ दे रही है। क्या सितम है कि तेरे हाथ से धोखा खाया। कैसी हैं भाभी इतने दिन बाद? अल्लाह का शुक्र। बस मैंने कहा छोटी हो, मसरूफ भी हो आजकल, तो चल के देख ही आऊँ। हाँ अच्छा किया बहुत। वो दरअसल मैं अपनी गाड़ी की बाजियाबी पे बहुत खुश हूँ। अब चाय पीते हैं और साथ कचौरियाँ खाते हैं। सिद्दीका आए बैठे। अरे ये तो सारे सेट रखे हुए हैं, कहाँ बैठेंगे, मैं जगह बना देती हूँ। आइए सिद्दीका, कचौरियाँ और चाय इधर ही ले आओ। हाँ रखो, जल्दी रखो जल्दी। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? नहीं मैंने उसे कहा हुआ था मेरे लिए बना दे, बस एक कप ही लाना है एक्स्ट्रा। जल्दी जल्दी करो जल्दी। चलो जाओ 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 जाओ। डर ही लगता है इन लोगों से, इतना जेवर खुला पड़ा हुआ है असली सोने का। ये पॉलिश होके आए हैं कोमल के लिए बनवा के रखे हुए हैं, उसे इस तरह के सेट बहुत पसंद है, ये ट्रेडिशनल। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, पहनना नसीब करे। महमूदा फिर क्या सोचा तुमने? सोचना क्या है भाभी, रिश्ते तो बहुत है मेरी कोमल के लिए, लेकिन मैं जरा चाहती हूँ कि लड़का पाकिस्तान में ना हो, बाहर हो। वहाँ जरा फ्यूचर है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। वैसे भी लड़कियाँ पढ़ लिख जाएं तो आखिर में तो उन्होंने घर ही संभालना होता है, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ। माफ कीजिएगा भाभी, वैसे आपने बड़ी गलती की है जो अरसला की उम्र गंवा दी शादी की। हिरा से बड़ी है वो, अब उसे जल्दी अपने घर का करें। मैं तो सोच रही हूँ कि हादी के लिए भी अब क्या हो गया है भाभी, अरे कुछ अक्ल से काम लें। हादी की भी आमदनी क्या है? कोई कामकाज नहीं है खास, ठीक है पढ़ा लिखा है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। आप एक काम करें, कोई बाहर का रिश्ता ढूंढें आप, चाहे लड़की थोड़ी बड़ी हो कोई बात नहीं, कम से कम ये कि वहाँ पे सेट कर देते हैं लंदन अमेरिका में ना, पाल लेते हैं लोग इस तरह के लड़कों को, फ्यूचर भी बन जाएगा। क्या बात करनी थी आपने? हाँ वो ऐसी कोई खास बात नहीं थी, बस यही कि अरसला का ख्याल रखना जरा, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। अच्छा चलती हूँ। अरे क्यों, एसी चल रहा है, इतना ठंडा कमरा हो रहा है, बैठ जाए थोड़ी देर और, थोड़ा अरसला के बारे में सोचें। उसकी शादी और लेट होगी ना तो उसके मिजाज में और बदमजगी आ जाएगी। चलती हूँ मैं। मेरी बच्ची के लिए यही फकीर रह गए थे, हैसियत नहीं देखते, चले आते हैं मुंह उठा के। ये भूखा फकीर ही रह गया मेरी बेटी के लिए, हैसियत देख के आना चाहिए था। ऐसी गिरी पड़ी थोड़ी है मेरी बेटी। अम्मी हमारी गाड़ी आ गई। अबू और हादी अभी भी गाड़ी लेके आए, मैंने आपसे कहा था ना कि हादी सब कुछ कर सकता है। ताई कहाँ गई? अभी तो मैंने उन्हें अंदर आते देखा था, मासी चाय और समोसे भी बना रही थी, कुछ खाए पिए बगैर ही चली गई। हाँ तो मैंने थोड़ी कहा था तशरीफ ले आइए, और ये समोसे क्यों बनवाए हैं तुमने उनके लिए? हिसाब से रखे होते हैं मैंने खास खास मेहमानों के लिए। मैं ऐसा तो ना बोले, इतनी खातिरें करती है हमारी, आगे पीछे रहती हैं। हाँ इन चापलूसियों से, भगारे बैंगनों से, चार शामी कबाबों से लाखों रुपए का कर्जा नहीं उतरेगा। कर लेने दो ट्राई उन्हें, मेरे पास तो वैसे ही वक्त नहीं है। और तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, इम्तहानों की तैयारी करो, ताकि तुम्हें अपने घर का करूं मैं।
फिर कोई लड़ाई हुई है क्या? आपको गाड़ी मिलने की भी खुशी नहीं है? गाड़ी तो हमारी थी, मिलनी थी हमें भाई। लेकिन एक बात याद रखना, ये बच्चे हमारे कभी थे ना होंगे। तुम तो अपना इम्तिहान पास करो, तुम्हारी तो मैं जल्द शादी कर। अब्बा तुम्हारे बीमार रहते हैं, बेटा मेरा कोई नहीं है, कौन देखेगा काम? अम्मी बेटा तो है ना, हाथी भी तो आपके बेटों जैसा है। वैसे भी अब्बू के साथ रहते सारे काम करता है उनके। उनको पता है, हादी कहता है कि वो उनको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसके सारे दोस्त बाहर जा चुके हैं, वो नहीं जाता। जानती हैं क्यों? तप्पड़ नहीं है उसमें, कम हिम्मत है। मामा आई एम टेलिंग यू, यू रियली नीड दिस हॉलीडे। आपको पता है मैं और मेरा मियाँ जिंदगी में कभी इतना रिलैक्स नहीं जितना हम इस हॉलीडे पे जाकर हुए हैं। मैं तो उससे कहती हूँ कोई चक्कर चलाओ और निकलो यहाँ से। इससे हद है, यहाँ आते इतनी गंदगी का एहसास होता है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और एक हम है वहीं के वहीं खड़े हैं। मैं तो कहती हूँ हम सबको यहाँ से मूव हो जाना चाहिए। आप एक काम करें, आप ये घर बेचें, इन्वेस्टर्स वीजा लें और निकलें यहाँ से। कहाँ निकलें, कहाँ निकलें? उसका रिश्ता तो कोई आए पहले ढंग का। मामा प्लीज कोमल को हादी के साथ नहीं भेजा करें। लोगों को तो यही लगता है ना कि अगर वो भाई नहीं है तो मंगेतर तो होगा। जानती हूँ मैं, लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है, लेकिन कोमल को कौन समझाए? ऊपर से तुम्हारी ताई और शह देती है, उन्हें क्या चाहिए और? सोने की कान मिल रही है उन्हें, इसलिए जाल बिछा दिया। और कोमल आंख खुलते ही ताई के पांव छूती है। मामा मैं आपको बता रही हूँ ये ठीक नहीं हो रहा। आपको पता है कोमल कितनी जिद्दी है, अगर वो सीरियस हो गई ना तो बहुत मसला हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, किससे कहूं? सच पूछो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे अब्बा को भी कोई एतराज नहीं। नहीं मामा, मैं अपनी बहन को उस घर में सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती। ये आखिर इस घर में हो क्या रहा है? तुम्हें लगता है कि मेरे बस में कुछ है? सब मिलके मेरी बच्ची को बेवकूफ बना रहे, फंसा रहे हैं, और मैं कुछ बोलूं तो मैं बुरी? मामा आपको मुझे तो कुछ बताना चाहिए था ना। क्या बताती बेटा, तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। मैं अपने मसले तुम पे डाल के तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत है बेटा। जी मामा। कोमल को सिर्फ तुम बचा सकती हो। एक बार अगर हादी का रिश्ता आ गया ना, तो ना तुम्हारे अब्बा ना कोमल, दोनों में से कोई भी नहीं रुकने वाला। और तुम्हारा तो मियां हर वक्त हादी के गुण गाता रहता है, उसको तो समझाओ पहले। मैंने अपनी बेटी को किसी कीमत पे इस कुएं का मकीन नहीं बनाना। आई थी तुम्हारी ताई बात करने। फिर साहब क्या बात है? कुछ नहीं, सोच रही हूँ तनी ताई मैंने क्या बात की है। बात की है उन्होंने? हाँ की तो है, लेकिन मम्मी कुछ बता ही नहीं रही है। सरप्राइज देना चाह रही होंगी तुम्हें। जी नहीं, तुम भी ना बुद्धू की बुद्धू ही रहना। कहा भी था मैंने तुमसे कि ताई मम्मी से कहो कि डायरेक्टली अप्पा से बात करे। चची इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। लेकिन खैर चची नहीं मानी तो चचा तो है। और अगर वो भी ना माने तो तुम शोर मचा देना, हंगामा खड़ा कर देना। हाँ, और तुम डर जाना, मेरी बात सुनो, अगर तुम डरे ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो शादी किससे करोगी? तुमसे ही। हादी पता तो करो मैंने बात क्या की है। कुछ कह रही हूँ मैं, सुन रहे हो तुम? सुन नहीं रहा, देख रहा हूँ कितनी जल्दी है ना तुम्हें मुझसे शादी करने की, इसीलिए पाबंदियां लगती हैं तुम पे। चची ये लड़की जो है ना ये हाथ से निकली जा रही है। अच्छा बेटा, कहाँ जा रही? हाथी हाथ छोड़ो मेरा। हाथ तो बहुत चलते हैं तुम्हारे, छुड़ा लो फिर। कोई देख लेगा। मैं भी यही कहता था ना, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ताई नहीं देख लेंगे। खैर वो बहुत दफा देख। हादी
ऊपर आओ। अर्चला, अम्मी से पूछो ना क्या बात हुई है। कोई बात नहीं हुई है, अम्मी ने कहा है वो लोग सोचकर जवाब देंगे। सुनो, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो क्या करोगे? बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे, चचा बहुत पसंद करते हैं मुझे। हादी, कोमल भी तुम्हें बहुत पसंद करती है, तुम जानते नहीं इनके घर में सिर्फ चची की चलती है, और जहाँ चची की चलती है वहाँ किसी और की कैसे चल सकती है। यार क्या मसला है, आप लोग तस्वीर का एक रुख क्यों देखते हैं? जस्ट ब्लैक रिश्ते हैं ये, इतने बरसों से साथ हैं और बरसों तक साथ रहेंगे, कुछ नहीं होगा। क्या देखती है? कुछ नहीं, बस अल्लाह से दुआ करती हूँ जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो। वैसा ही हो इंशाल्लाह। कैसा है? बहुत अच्छा है। आपको पता है हार्दिक का भी यही फेवरेट है। इन्हों डालते रहते हो क्या इधर? नहीं, इतनी दूर डिफेंस में कौन आएगा समझो उसके लिए। हम तो वहाँ हैदरे पे चले जाते हैं, वहाँ पे भी बड़ा अच्छा मिलता है। अर्चना होती है तुम लोगों के साथ? कभी आती हैं कभी नहीं आती। ऐसी जगह बड़ी अच्छी है, मैं हार्दिक को बताऊँगी यहाँ आएंगे। कोमल, वैसे तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, और माना कि आदि तुम्हारा भाई है लेकिन मैं भी तुम्हारी बहन हूँ। आप तो मेरी बहन है लेकिन आदि, तुम्हें पता है तुम्हारी साथ वाली आंटी ये पूछी थी कि तुम दोनों का कोई रिश्ता तो नहीं तय हो गया? वो उनकी तो आदत है, आप कहते थे कि हो गया। क्या आपको नहीं पता, ताई अम्मी आई थी अम्मी से बात करने के लिए हमारे रिश्ते की, अम्मी ने कहा कि सोच के बताएंगे, इंशाल्लाह हो ही जाएगा। खेल रहा है वो तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे एहसानों का बदला ऐसे दे पा वो तुम्हारी इज्जत खराब करके। और तुम ऐसी स्टूपिड लड़कियों की तरह हरकतें करोगी ना तो ऐसे ही यूज करेगा वो तुम्हें। कोई ताई बाई नहीं आई थी, झूठ बोल रहा है वो तुमसे, और इस सब में उसकी माँ भी उसका साथ दे रही है। ताई अम्मी झूठ नहीं बोल, तो क्या हमारी अम्मी झूठ बोल रहे हैं? और कोई है ही नहीं उनके साथ, सब उनके साथ इसलिए ऐसा करते क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं है, और अब हम भी उन पर शक करें? फॉर गॉड सेक, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। लेकिन हादी, हादी झूठा है और उसका पूरा खानदान भी। कोमल, यहां पर क्या तुम सच के बैठी हुई हो? नीचे ढूंढ रहा था तुम्हें। गेस व्हाट, पसंद था ना तुम्हें? तुम्हारे लिए मैंने खरीद लिया। जाओ यहां से, तुम्हारा घर नीचे है। क्या हुआ? जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं है क्या हुआ। प्लीज मेरे साथ और मत खेलो हाथी। कोमल, क्या मतलब और मत खेलो? तुम मेरी बात? कौन मेरी? तुम्हारी कुछ भी नहीं, छोटा इंसान। आराम आराम, यस गुड, शाबाश। क्या हुआ? बीपी हाई हो गया। तुम माँ का ख्याल नहीं रखती? आप कौन सा रखते हैं? आपकी भाभी अगर बीमार हो जाए तो चक्कर पे चक्कर लगाते हैं। मुझे तो लगता है कि मैं ऐसे ही किसी दिन खामोशी से मर जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है जो मेरी देखभाल करे। अरे किसने कह दिया तुम्हें? आपकी भाभी ने, उनके रवैये से साफ पता चलता है उनके पास कुछ है नहीं, लेकिन सिर्फ एक बेटे के जोम में ना वो मुझे कुछ समझती है ना मेरी बच्चियों को। तुम अपनी अम्मा को संभालो, मैं नमाज पढ़ के आता। क्या हो गया अम्मी? बेटा तबीयत ऐसी हो रही है मेरी बच्ची,
मम्मी आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। भुवन बेटा एक बात याद रखना, मां से ज्यादा बच्चों से कोई भी प्यार नहीं कर सकता। अगर तुम्हें लगे कि कभी भी कोई तुमसे मां से बढ़ के प्यार कर रहा है तो कोई मतलब होगा, कोई गर्ज होगी उसके पीछे, क्योंकि बेलॉस मोहब्बत सिर्फ मां ही करती है अपने बच्चों से और कोई नहीं। मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला ताई और हाथी ने, क्या समझकर मुझसे मोहब्बत का खेल खेल रहा है? सिर्फ इसलिए कि हमारा कोई भाई नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाथी मेरा एडवांटेज लेगा? ऐसा ही है। धोखा खाया, क्या सितम है कि तेरे हाथ से धोखा।